हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 10वीं जमात उर्दू के एक मॉडल पेपर के बारे में। यूपी बोर्ड एग्जाम जो 2024 का आपका होने वाला है, ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इस मॉडल पेपर में हम सबसे पहले ये समझते हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आपको मिलने वाले हैं। उससे पहले हम समझ लेंगे पेपर का पैटर्न क्या होगा। ये जो पेपर आपका होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा, 70 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा, समझ लीजिए। अब इस पेपर में क्वेश्चन कैसे आपको मिलने वाले, स्टार्टिंग में आप समझिएगा, जो फर्स्ट पॉइंट आप समझिए, उसमें आपको जो है नंबर एक, शुरुआत में आपको मारूजी सवालात मिलेंगे। मारूजी सवालात का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ऑप्शन होगा, उन ऑप्शन को आपको हल करना होगा और OMR शीट आपको एग्जाम में मिलेगी, उस OMR शीट में सही जवाब आपको फिल करना होगा। दूसरे जो टाइप के सवालात है वो है मुख्तसर सवालात। दूसरे टाइप के जो सवालात मिलेंगे वो है मुख्तसर तरीन सवालात, यानी जिनके जवाब एक से दो लाइन में आपको लिख देने होंगे। तीसरे जो सवालात आपको मिलेंगे वो है मुख्तसर सवालात, ठीक है, यहाँ पे मुख्तसर तरीन थे, यहाँ पे मुख्तसर, इनके 3 से 4-5 लाइन में जवाब आपको लिखना होगा। और जो चौथे टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे तफसीली सवालात, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस, तफसीली सवालात ये आपको मिलेंगे एग्जाम में। अब हम देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन को भी हल करके आपको दिखाएंगे, पेपर कैसे लिखना होगा ये भी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हिस्से अव्वल में मारूजी सवालात हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 20 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, 20 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। दरअसल मारूजी सवालात के लिए सही मुतबादल का इंतखाब कीजिए। इनमें मीर अनीस के वालिद कौन है पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन में मीर दर्द, सेकंड में मीर मुस्तहसन खलीक, और तीसरे में मीर गुलाम हसन, और चौथे ऑप्शन में मीर गुलाम हुसैन जाहिक। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर मुस्तहसन खलीक। ऐसे एग्जाम में भी आपको जवाब देना होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिर्जा हादर रुसवा की विलादत कब और कहां हुई, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे 1858 ईस्वी को लखनऊ में, क्या ये जवाब सही हो जाएगा, या फिर 1857 को दिल्ली में, क्या ये दुरुस्त होगा, 1845 को फैजाबाद में, क्या ये सही हो जाएगा, या फिर 1855 को कानपुर में। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी 1858 में लखनऊ में मिर्जा मोहम्मद हादर रुसवा की विलादत हुई है। आपका कौन सा नॉवल निसाब में शामिल है, तो उस नॉवल को भी याद रखेंगे, उमराव जान अदा। उमराव जान अदा आपका शाहकार नॉवल है, याद रखेंगे। उमराव जान अदा नॉवल जो कब अमल में आया, यानी कब आपने तख्लीक किया है, तो 1899 ईस्वी में यह नॉवल आपने लिखा। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए असरारे महाविद, सेकंड में है सोजे वतन, और तीसरे में है चौगाने हस्ती, और चौथे ऑप्शन में मैदान अमल। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सोजे वतन। जरूर आप याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद बहुत अहम है। अगर ये आपसे पूछा जाता कि मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा है, तो जवाब क्या होता, असरारे मुआबिद, यानी आप याद रखेंगे असरारे मुआबिद मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवल है। अगर आपसे पूछा जाता कि मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो है ये आपका पहला अफसाना है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, यानी पैदाइश कब हुई और आपका इंतकाल कब हुआ, पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो याद रखेंगे 1880 को बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है, यानी आपके फादर का नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, तो याद रखेंगे मुंशी अजायब लाल। क्या नाम बताया हमने, मुंशी अजायब लाल, इसे भी आप जहन में रखेंगे, मुंशी अजायब लाल। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहां हुआ, पहला ऑप्शन है 1875 को लखनऊ में, दूसरा है 1980 को कानपुर में, तीसरा है 1985 को गोरखपुर में, और चौथा है 1977 ईस्वी को अलीगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन, यानी 1977 को अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौन सा मजमून है जो कि आपके निसाब में शामिल है, तो मालूम होना चाहिए चारपाई,
याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी धीरे धीरे। चारपाई किसका मजमून है, तो याद रखेंगे रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन देखिए, निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी है, सेकंड में असगर गोंडवी है, और तीसरे में जिगर मुरादाबादी है, और चौथे ऑप्शन में जोश मलिहाबादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी असगर गोंडवी। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है, तो असगर गोंडवी का। आफी का एक बहुत और अहम शेरी मजमुआ है, याद रखेंगे सुरूदे जिंदगी। आपसे पूछा जा सकता है कि सुरूदे जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है, तो जवाब हो जाएगा असगर गोंडवी। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, आप सब बताइएगा, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। क्या जवाब हो जाएगा? फिराक गोरखपुरी। अगर आपसे पूछा जाए आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है, आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। क्या हो जाएगा? जिगर मुरादाबादी। अगर आपसे पूछा जाए रूहे अदब किसका शेरी मजमुआ है, रूहे अदब किसका शेरी मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा जोश मलिहाबादी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू के पहले नॉवल निगार कौन है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए मिर्जा हादर रुस्वा है, सेकंड में मुंशी प्रेमचंद है, और थर्ड ऑप्शन में नजीर अहमद है, और फोर्थ में है रतननाथ सरशा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी नजीर अहमद। डिप्टी नजीर अहमद उर्दू के पहले नॉवल निगार है। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू का पहला नॉवल कौन सा है, तो उसे भी याद रखेंगे मिरातुल उरूस। क्या नाम बताया हमने? मिरातुल उरूस जो है ये उर्दू का पहला नॉवल है। ये नॉवल डिप्टी नजीर अहमद ने कब लिखा है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1869 में, 1869 ईस्वी में आपने ये नॉवल तख्लीक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नज्म के लघवी माना क्या है। लड़ी में मोती पिरोना, या फिर रोना होता है, या फिर मगज़े गलीज़ के हैं, या फिर मातम करना के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी लड़ी में मोती पिरोना। अगर आपसे पूछा जाए मरसिया के लघवी माना क्या है, तो मरसिया के लघवी माना होते हैं रोना और मातम करना। अगर आपसे पूछा कसीदा के माना क्या है, तो कसीदा के माना इरादा भी करना है, और कसीदा का एक माना है मगज़े गलीज़। कसीदा के एक माना क्या है? मगज़े गलीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ज़िल्म कृष्णचंद्र का पहला नॉवल कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए गोदान है, सेकंड में उमराव जान अदा है, थर्ड ऑप्शन में शिकस्त है, और फोर्थ ऑप्शन में गबन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी शिकस्त। कृष्णचंद्र बहुत अहम है, आपका कौन सा मजमून जो कि निसाब में शामिल है, तो आपका अफसाना पूरे चांद की रात। याद रखेंगे ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो लेसन है आपके निसाब में आपकी किताब में दिया गया है, पूरे चांद की रात। पूरे चांद की रात किसका अफसाना है, तो जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, तिलिस्मे ख्याल। क्या हमने बताया? तिलिस्मे ख्याल। गोदान किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादर रुस्वा का। गबन किसका नावल है? तो ये भी मुंशी प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा है। अभी देखिए हमने शुरू में आपको बताया भी, यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो सीधे सीधे हमारा जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, यानी असरारे मुआबिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सुरूर जहां आबादी की पैदाइश कब और कहां हुई। फर्स्ट ऑप्शन में आपके सामने देखें 1873 ईस्वी पीलीभीत में, या फिर 1879 जौनपुर में, या फिर 1888 अलीगढ़ में, या फिर 1860 लखनऊ में। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अहम सवाल है। सुरूर जहां आबादी की एक नज्म भी आपके निसाब में शामिल है, आप मुझे बताइएगा कौन सी नज्म है जो कि आपके निसाब में शामिल है। पहले इस क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिए, हमारा सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी 1873 ईस्वी पीलीभीत में। आपकी जो नज्म है, जो आपके आपके निसाब में, आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो वो है गुलजारे वतन। नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि गुलजारे वतन जो है किसकी नज्म है, तो जवाब हो जाएगा सुरूर जहां आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है शेख नूरुल हसन, दूसरे में शेख नूर मोहम्मद, तीसरे में शेख अनवर, और चौथे ऑप्शन में शेख नूरुल हक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शेख नूर मोहम्मद। अल्लामा इकबाल बहुत अहम है, जरूर आप याद रखेंगे। अल्लामा इकबाल की कौन सी नज्म है जो कि आपके निसाब में शामिल है, तो याद रखेंगे राम। आपसे पूछा जा सकता है राम नाम की जो नज्म है वो किस शायर की है, तो जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल।
अल्लामा इकबाल की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो याद रखेंगे 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके चार अहम शेरी मजमू के नाम हमने नोट कर लीजिए, बहुत अहम है। एक का नाम है बांगे दरा, एक है बाले जिब्रील, एक है अरमगाने हिजाज और एक का नाम है जरबे कलीम। ये चार अहम शेरी मजमू के नाम है आपके, इन्हें जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है? फर्स्ट ऑप्शन में अल्ताफ हुसैन हाली, सेकंड में आला मसरूर और थर्ड में है कलीमुद्दीन अहमद और फोर्थ में है एहतशाम हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की अगर हम सने विलादत के बारे में बात करें तो याद रखेंगे 1837 में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अल्ताफ हुसैन हाली बहुत अहम है। आपकी कौन सी नज्म है जो कि निसाब में शामिल है, तो याद रखेंगे मुना जाते बेवा किसकी नज्म है, तो आप याद रखिएगा ये किसकी नज्म है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। अगला क्वेश्चन देखिए, फानी को यासियात का इमाम किसने कहा। फर्स्ट में है रशीद अहमद सिद्दीकी, दूसरे में आला मसरूर है, तीसरे में मोहम्मद हसन है और चौथे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। फानी इनका असल नाम है शौकत अली खान, याद रखेंगे आपका नाम क्या है, शौकत अली खान आपका असल नाम है। आपकी पैदाइश हुई 1879 ईस्वी में बदायूं में और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मन आनम क्या है? क्या ये शेरी मजमुआ है या फिर ये खतूत का मजमुआ है या फिर ये तनकीदी मजामीन का मजमुआ है या फिर ये रुबाइयात का मजमुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी खतूत का मजमुआ है। तो फिर ये किसके खतूत का मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा फिराक गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ है। फिराक गोरखपुरी का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा रघुपति सहाय। आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है सभी चीजें, रघुपति सहाय जो है आपका नाम है। आपके वालिद का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा गोरख प्रसाद। आपके वालिद का नाम क्या है, गोरख प्रसाद, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख के मुसन्निफ कौन है? फर्स्ट ऑप्शन में अल्ताफ हुसैन हारी, सेकंड में सैयद एहतशाम हुसैन और तीसरे में आला मसरूर हैं और चौथे ऑप्शन में शमशुर रहमान फारूकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन, नोट कर लीजिएगा सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन का कौन सा मजमून है जो कि आपके निसाब में शामिल है, तो नोट कर लीजिएगा हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, ये जो मजमून है इसके मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सुलेबी मेरे दरीचे में किसके खतूत का मजमुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में फैज अहमद फैज है, दूसरे में गालिब है, तीसरे में अबुल कलाम आजाद है और चौथे ऑप्शन में हसरत मोहानी है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज बहुत अहम है, जरूर आप याद रखेंगे। आपकी जो पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में, याद रखेंगे सियालकोट में पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके बहुत सारे अहम शेरी मजमुए हैं, आपके याद रखेंगे 7 शेरी मजमुए हैं। कितने शेरी मजमुए आपके हैं, 7 शेरी मजमुए हैं। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी। क्या नाम बताया हमने, नक्शे फरियादी आपका पहला शेरी मजमुआ है। आपकी कुलियात का नाम क्या है, नुस्खा हाय वफा, नुस्खा ये खा है, नुस्खा हाय वफा जो है आपकी कुलियात का नाम है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, चकबस की नज्म कश्मीर किस हयत में है, मुखम्मस में है या फिर मुसद्दस में है या फिर मुसल्लस में है या फिर मुसम्मद में है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुसद्दस। अब समझिए मुसद्दस किसे कहते, ऐसी नज्म जिसका हर बंद 6 अशार पर मुश्तमिल हो, यानी जिसके हर बंद में 6 अशार हो, ठीक है, तो याद रखें 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मुखम्मस कहते हैं, 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? पहले ऑप्शन में है अल्ताफ हुसैन हारी, दूसरे में है मौलवी अब्दुल हक, तीसरे में है जोश मलिह आबादी और चौथे में है नजीर अकबर आबादी। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक का कौन सा खाका है जो कि आपके निसाब में है? तो याद रखेंगे मौलवी अब्दुल हक के खाका का जो उनवान है वो है हाली, यानी आपने मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का खाका लिखा। अगला क्वेश्चन है रूप किसका शेरी मजमुआ फिराक गोरखपुरी का है, या फिर असगर गोंडवी का है, या फिर हसरत मोहानी का, या जिगर मुरादाबादी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। याद रखेंगे रूप जो है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है, शेरी मजमुआ है लेकिन रुबाइयात का शेरी मजमुआ है, ये आप जहन में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है रुस्वा का उसलूब तहरीर कैसा है? पहले ऑप्शन में मुसज्जा व मुकफ्फा है, फितरी व सादा है, तीसरे में पेचीदा व पुरअसर और दिलकश है, और थर्ड फोर्थ में मुगल्लक और गुंजलक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फितरी व सादा है। तो अभी तक हमने जो 20 आपके मारूजी सवाल आते उनको कवर कर लिए हैं। हमने सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाने तक अपने आप को महदूद नहीं किया, बल्कि उसके रिलेटेड जो दूसरे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते थे वो भी हमने कोशिश की आपको क्लियर हो जाए, आपको याद हो जाए। अब हम देखते हैं मुख्तसर तरीन सवालात को। देखिए हिस्से दो में तहरीरी सवालात, यहाँ पे मुख्तसर तरीन सवालात आपको मिलने वाले हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ को आपको मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया नजीर अहमद के नॉवेलों के नाम बताइए या कन्हैया लाल कपूर के कुछ मजमुओं के नाम लिखिए, इनमें से किसी एक का जवाब देना आपको है। दूसरा क्वेश्चन नॉवल गोदान के कुछ किरदारों के नाम बताइए या फिर नॉवल के अज्जाए तरकीबी में किन अज्जा को अहमियत हासिल है उनकी बात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं के नाम बताइए, अभी देखिए मैंने आपको बताया भी है फैज की जाय विलादत और जाय वफात मां सन लिखी, अभी मैंने शुरू में आपको बताया भी मारूजी सवालात को हल करते हुए। तो देखिए जो मैं आपको डिस्कस करता हूँ ये बहुत अहम होते हैं, तो चलिए इन सवालात के जवाब कैसे लिखने वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हेडिंग आप लगाएंगे क्या हिस्सा दो, अब क्योंकि हिस्सा दोम की बात करें तो हिस्सा दोम लगाएंगे, जवाब नंबर जो होगा जवाब नंबर लिखिए, जवाब नंबर एक, इस तरह से हेडिंग आप लगा देंगे अच्छे से बिल्कुल, इसके जो वगैरह का इस्तेमाल करते हुए कीजिएगा, दो कलर एग्जाम में जरूर इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी राइटिंग भी दिखने में खूबसूरत लगे। और हमने क्वेश्चन को हल कर लिया जो उसमें पूछा गया था कि दो में से नजीर अहमद के नॉवलों के नाम बताइए, तो यहाँ पे हम नॉवलों के नाम बता रहे हैं। नजीर अहमद के नॉवलों के नाम है मिरातुल उरूस, बनातुल नाश, तौबतुन नसूह, फसाने मुब्तला, इब्नुल वक्त, अयामा, रोयाए सादका। एक क्वेश्चन हल हो गया, एक क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था इसके बाद में। दूसरा क्वेश्चन था नॉवल गोदान के कुछ किरदारों के नाम बताइए, नॉवल गोदान के कुछ किरदारों के नाम बताइए। तो गोदान जो नॉवल है ये मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवल है, उसके कुछ किरदारों के नाम देखिए होरी है, गोबर है, धनिया है, रूपा है, सोना है, हीरा है, भोला अहिर है, राम सेवक है, दाता दीन है, मिर्जा खुर्शीद, ये सभी हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको आप क्योंकि आपका जो निसाब है गोदान उसमें से हट भी गया है, ये क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए है, आपसे इसकी जगह पे कोई भी और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जिस हिसाब से पूछा जाता है कि उमराव जान अदा के कुछ किरदारों के नाम लिखिए तो वो भी आप लिख सकते हैं, ये समझने के लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं में शामिल है, मैंने बताया आपको बांगे दारा है, बाले जिब्रील है, जरबे कलीम और बगारे हिजाज है, कैसे लिखना है। इसके बाद देखिए मुख्तसर सवालात, मुख्तसर जो सवालात होंगे ये 20 नंबर के होंगे, याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन की मरसिया पर नोट लिखिए, कुछ मरसिया निगारों के नाम भी बताइए। अगला क्वेश्चन इन लफ्जों की जमा बनाकर लिखिए, जैसे कुछ उफुक, कौल, फर्ज, शजर, अदब, दलील, शायर, इल्म, या फिर मुंदरजा ज़ेल मुहावरों और ज़रबुल अमसाल में से किन्हीं 5 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, चाहे इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए, कैसे देखिए इनको हल करना समझते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और भी देखिए इसमें पूछा गया है मुख्तसर में, मुंदरजा ज़ेल इक्तबासात में से किसी एक की तशरीह जरूरी हवालों के साथ कीजिए, ठीक है, किसी एक की तशरीह जरूरी हवालों के साथ कीजिए, एक है अलिफ ऑप्शन में, दूसरा है बा, किसी एक की आपको तशरीह करनी है, ठीक है, या फिर इनकी तशरीह कीजिए, या फिर उनकी कीजिए, या फिर इनकी कीजिए, या मुंदरजा ज़ेल अशार में से 3 की तशरीह कीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ अशार दिए गए हैं, इनमें से किसी 3 अशार की तशरीह कीजिए, ये क्वेश्चन हल कीजिए, ठीक है। इसके बाद 7वां जो क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया है मुंदरजा ज़ेल में से किन्हीं 2 की तारीफ लिखिए और मिसालें दीजिए, किन्हीं 2 की तारीफ लिखना, मिसालें देना, या इन अशार की तशरीह मा सियाक़ो सबाक करो, या तो ऊपर वाले को हल करो या फिर नीचे वाले को। आगे देखिए अब क्वेश्चन को देखिए कैसे हल करना समझते हैं, ठीक है, आप हेडिंग लगा लेंगे जवाब नंबर 4, ठीक है, उसके बाद देखेंगे मरसिया।
मर्सिया के बारे हम लिखने वाले हैं। तो मर्सिया अरबी जुबान के लफ्ज रिसा से निकला है, जिसके माना है रोना, मातम करना, आहो भूखा करना। मर्सिया इस्तेलाह में बिलउमुम उस नज्म को कहते हैं जिसमें मरने वाले की खूबियां बयान करके उसकी मौत पर अफसोस किया जाए, और बिलखसूस मर्सिया का इतलाक उस नज्म पर होता है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत या उससे मुतालिक कोई वाकया गम अंगेज पैराए में बयान किया जाए। बाकी तमाम की मौत पर कही जाने वाली नज्मों को शख्सी मर्सिया कहते हैं, जैसे हाल ही का मर्सिया गालिब, इकबाल का मर्सिया दाग वगैरह। तो मर्सिया पर आप बेहतरीन नोट इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए अगले सवाल का जवाब कैसे देना होगा। अभी देखिए बाकी इब्तिदा में मर्सिया के लिए कोई खास शक्ल मुकर्रर नहीं थी। सौदा पहले शायर है जिन्होंने मर्सिया के लिए मुसद्दस की हयत इख्तियार की। मीर खलीक और मीर जमीन के जमाने मुसद्दस को मकबूलियत हासिल हुई और फिर मर्सिया के लिए यही हयत मखसूस हो गई। मीर जमीर ने मर्सिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए जो दर्जेल है। मर्सिया के अज्जाए तरकीबी 8 है, याद रखिएगा। चेहरा मर्सिया का इब्तदाई हिस्सा जिसमें तमहीद के तौर पर ऐसे मजामीन बयान किए जाएं जिनका मर्सिया के हीरो से बराह रास्त ताल्लुक ना हो। दूसरा पॉइंट है अज्जाए तरकीबी में सरापा, इसमें हीरो का नाक नक्शा, कद कामत, शुजात व नेक खोई का बयान होता है। आगे देखें रुख्सत, हीरो का मैदान में जंग करने की इजाजत लेना और अजीजों से रुख्सत होना। आमद, हीरो का मैदान जंग में आना। रज़, अरब की आदाब जंग के मुताबिक हीरो का मुकाबल फौज को फखरिया अंदाज में अपने आबा अजदाद के नाम और कारनामों से वाकिफ कराना और अपनी बहादुरी और बर्तरी का इजहार करना। जंग, हीरो का किसी पहलवान से लड़ना, कभी पूरी फौज से बहादुरी के साथ जंग करना। शहादत, हीरो का जख्मी होना और शहीद होना। बैन, हीरो की मौत पर रंज व गम का इजहार करना। तो ये मर्सिया पर नोट आपका है। अब आगे उस उर्दू के कुछ अहम मर्सिया निगारों में अनीस व दबीर का शुमार होता है, जिसमें अनीस को बिलखसूस इस सिंफ में कमाल हासिल है। ये जवाब नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। जवाब नंबर देखिए 5 कैसे लिखना, वाहिद और जमा करना है। तो उफुक की जमा क्या हो जाती है, आफाक। कौल की जमा क्या है, अकवाल। फर्ज की जमा क्या है, फराइज। ऐसे शजर की जमा क्या है, अशजाब। अदब की जमा क्या है, आदाब। दलील की जमा क्या है, दलाइल। शायर की जमा क्या है, शोरा। इल्म की जमा क्या है, उलू। आगे बढ़ते हैं। जवाब नंबर 6 यानी जो आपको अशआर दिए गए थे उनकी तशरीह कैसे करनी, जरा इन्हें समझिएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सियाकु सबा। ये बंद ब्रिज 9 चकबस की नज्म कश्मीर से माखूज है या लिया गया है। इसमें चकबस ने खत्ते कश्मीर की रूह परवर फिजा और सरसब शादाब वादी की खूबियों पर रोशनी डाली है। इनका इसलूब बड़ा दिलकश व दिल पजीर है। चकबस कहते हैं, कश्मीर के पहाड़ परिंदे, पहाड़ के चश्मों के दहाने, ठंडी हवा, बरसाती बादल, खुश रंग मेवे, हरे भरे चमनजार ऐसे हैं कि यहाँ आकर बरसों का बीमार भी लम्हों में सेहत याब महसूस करता है। यहाँ पे होना चाहिए था सेहत याब। इस बाग पर बाग बहिश्त के मनाजिर भी याद आते हैं। इस पर दुनिया को नाज है और इस रुए जमीन का सरमाया है। आगे देखिए 7 नंबर को कैसे हल करना है, हुस्न तालील। शेर में किसी हालत या वाकया का वो सबब बयान किया जाए जो उसका असल सबब ना हो बल्कि शायर के तखयल की पैदावार हो, तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। इसी को शायराना तौजीह भी कहते हैं। प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। इस शेर में शायराना ताली ये है कि हजरत इमाम हुसैन की फौज की परेशानी देखकर फरात की मौजें बेचैन थी, हालांकि मौजों का साहिल से टकराना फितरी अमल है। आगे देखिए तजाद किसे कहते हैं, उसको सनत तबाक भी कहते हैं, यानी कलाम में दो अल्फाज जो एक दूसरे के जिद हो, अपोजिट हो, जमा कर दिए जाएं, उसको सनत तजाद या तबाक भी कहते हैं। हवस को निशात कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मजा क्या। इस शेर में मरना और जीना एक दूसरे की जिद है, इसलिए ये सनत तजाद है। आगे देखिए तफसीली सवाल, मुंदरजा ज़िल इक्तिबासात में से किसी एक का मतलब जरूरी हवालों के साथ लिखिए। यहाँ पे देखिए इक्तिबासात आपके सामने दिए गए, 2 इक्तिबास दिए गए हैं, किसी एक का जरूरी हवालों के साथ में लिखना है। एक देखिए फैजाबाद से शुरू हो रहा है, आप समझिए कहाँ से ले गया, गेस कीजिए। दूसरा देखिए चारपाई है, तो जैसे आपने पहले लाइन को देखिए पहले इक्तिबास में पढ़ा, फैजाबाद में रहते हुए आप मुझे 6 महीने गुजर चुके हैं, वहां की आबोहवा तबीयत के बहुत मुआफिक है, तो अंदाजा लगाइए 8वें 10वें दिन कोई ना कोई मुजरा आ जाए। तो मुजरा कहाँ से आ जाएगा, यानी नॉवल उमराव जान अदा। उमराव जान अदा क्या एक तवायफ है, तो वहां पे मुजरा कवर्ड द्वारा उसे आप गेस कर लीजिए कि ये जो इक्तिबास है किस नॉवल कहाँ से लिया गया, उमराव जान अदा से लिया गया। चाहे आप इसको हल कर लीजिए या फिर जो चारपाई को हल, चारपाई जैसे आए तो आप गेस कर लीजिए कि रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून कौन सा, चारपाई उसी से इक्तिबास लिया गया है। एक क्वेश्चन और भी देख लीजिए, मुंदरजिल उनवानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। ये देखिए बहुत सारे उनवानात दिए गए, इनमें से किसी एक पर आपको मजमून लिखना है, ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, ये समझ लीजिए। आगे देखिए
इस इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। इस इबारत को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका खुलासा आपको अपने अल्फाज में लिखना है। 11वां क्वेश्चन है, मुंतज़िल अदबा शोरा में से किसी एक के हालात ज़िंदगी और तर्ज तहरीर या खसूसियात कलाम बयान कीजिए, यानी आपको सवान उम्री लिखनी है किसी एक के बारे में। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन था यानी सवाल नंबर 8 था, इसको देख लीजिए और इसको हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कैसे हल करेंगे समझिएगा। देखिए, ये इक्तबास मिर्ज़ा को सवा खटिंग लगानी है। ये इक्तबास मिर्ज़ा मोहम्मद हादर रसवा के शाहकार नावल उमराव जान अदा से माखूज है। इस इक्तबास को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है गोया उमराव जान खुद अपनी दुख भरी दास्तान अपनी जुबानी पेश कर रही हो। इसका मतलब कैसे लिखना, मतलब लिखिए या फिर तशरीह। उमराव जान अदा अपनी आबिती बयान करते हुए कहती है, मुझे फैजाबाद में मुकीम हुए 6 महीने हो चुके हैं। इस शहर की आबोहवा तबीयत के मुआफिक दिल लगा हुआ 8-10 दिन में कोई मुजरा आ जाता है, इसी पर जिंदगी बसर हो रही है। सारे शहर में मेरे गाने का चर्चा है, मुजरे में लोगों का सैलाब सा आ जाता है। लोग अक्सर मेरे कमरे के नीचे मेरी तारीफें करते हुए गुजरते हैं तो मुझे बहुत खुशी हासिल होती है। बचपन की बातें कभी कभी ख्वाबो ख्याल की तरह जहन में आ जाती हैं। इसी के साथ दिल में एक जोश पैदा हो जाता है, लेकिन सल्तनत का जवाल, गदर, ब्रिजिस कदर, ये सभी सानहे मेरी आंखों से गुजर चुके हैं। अब तो ये कलेजा पत्थर की मानिंद हो गया। माँ बाप की याद आती है तो ये ख्याल आता है, खुदा जाने अब वहाँ कोई जिंदा भी हो या ना हो। तो इस तरह से आप जो है किसी भी इक्तबास को समझने के बाद में उसकी तशरीह, उसका मतलब आसानी के साथ में लिख सकते हैं। देखिए, तशरीह और मतलब में करना क्या होगा, अगर आपको अपने अल्फाज में लिखना आता है तो लिखिए, वरना क्या है, जो भी आपके सामने इक्तबास हो उसमें जो मुश्किल अल्फाज हो उनको आसान लफ्जों में चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, मुश्किल को आसान में कर देंगे, बेहतरीन तशरीह आपकी तैयार हो जाएगी। अब देखिए, जो सवाल नंबर 9 था उसको देखिए, यहाँ पे मजमून लिखना था, तो मजमून देखिए कैसे लिखेंगे समझ लीजिएगा। देखिए, जो भी मजमून लिखना होगा उसमें 3 चीजों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। आमतौर पर मजमून के 3 हिस्से होते हैं, यानी शुरुआत आपको कैसे करनी है, उसके बाद में जो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद हो, की पॉइंट्स आपको याद हो, उनका आपको बीच में लिखना है, उनको आपको बीच में लिखना है। जैसे आपको ताजमहल के बारे में लिखना है तो ताजमहल की अहमियत क्या है, शुरुआत में आपको लिख देना थोड़ी बहुत पॉइंट, ताजमहल को किसने बनवाया है, उसका तारीखी पस मंजर क्या है, आपको बीच में लिखना है, और फिर आपको दे दो उसका इख्तिताम कर देना है। यानी ये आपको अपने आप से लिखना है। अब एक दो मजमून अगर आप याद भी कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद कर लेते तो जो भी आपको समझ में आता है इन तीनों पॉइंट्स को याद रखते हुए आप उस पर मजमून लिखेंगे। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, खुलासा लिखना क्या है, खुलासे के लिए भी वही मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपके पास खुलासा लिखने के लिए आए, आप हू बहू नकल मत कीजिए, कुछ अल्फाज में चेंजेस कर दीजिए। एक दो सेंटेंस जो आपको लगता है कि अगर इसको हम यहाँ से गायब भी कर देते हैं तो उसका पूरा मतलब वाजह रहेगा, तब उसको आप गायब करके भी उसका खुलासा लिख सकते हैं। जैसे, बैलगाड़ी मिल जाने से मुसाफिरों के सफर की रफ्तार भी बढ़ गई और सफर भी आसान हो गया। अगले दिन उन लोगों ने दोगुनी मुसाफत तय की और ये काम बैलगाड़ी के सबब हुआ था। अभी 2 दिन का सफर और बाकी था। अजनबी ताजिर ने उन लोगों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, क्योंकि ऐसे सुनसान वीरान जंगल में बैलगाड़ी मिल जाना किसी करिश्मे और वरदान जैसा था, सफर बहुत आसान हो गया था। अगली रात इन लोगों ने गंडी नाम के गांव में बसर की। ये हो गया आपका खुलासा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपको सवाने हयात लिखनी थी यानी सवाने उम्री लिखनी थी। किसी एक की कई शोरा या उदबा के नाम दिए गए थे। अब जिगर के बारे में देखिए, मैंने आपको मुख्तसर बता दिया, ये मैंने सवाने हयात लिखी नहीं, ये चीजें आपको मालूम होने चाहिए जब भी किसी शायर या अदीब की आप सवाने हयात लिखें। यानी उसका नाम क्या मालूम होना चाहिए, तखल्लुस के बारे में मालूम होना चाहिए, उसकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, उसका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, और उसके बारे में उसकी तालीम कहाँ हासिल की, इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ हासिल की, इसको भी ऐड कर लीजिए। उसके वालिद का नाम क्या है, ठीक है, इस तरह से ऐसे उसके शेरी मजमू के नाम क्या, और लास्ट में उसकी शेरी खसूसियात के बारे में कुछ आप लिख दीजिए। उसका तर्ज तहरीर कैसा है उसके बारे में 2-3 लाइनें लिख दीजिए। आप बेहतरीन सवान उम्री मुरतब कर सकते हैं। तो आज हमने क्लास 10th उर्दू के कंप्लीट मॉडल पेपर को हल किया है, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में और साथ ही साथ में क्वेश्चन को हल करने में जरूर आपकी मदद करेंगे। तो इस क्लास को, इस सेशन को आप सभी लोग उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो क्लास 10th उर्दू के मॉडल पेपर को हल करना चाहते हैं और इस बार क्लास 10th उर्दू के एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं।